रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी में बीजेपी का नया प्रयोग, महिला मोर्चा को कमल क्लब बनाने की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी, जहां एक तरफ जातीय समीकरण साधने के लिए अलग अलग जातियों को लामबंद करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए वह नए नए कार्यक्रम तय कर रही है, तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत आने वाले दिनों में नए कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। पार्टी ने महिला मोर्चा के जरिए कपल मैराथन और कपल क्लब जैसे नए प्रयोग करने की रणनीति बनाई है। यूपी से बाहर कर रह रहे 3 करोड़ वोटरों पर बीजेपी की नजर, अपने पाले में लाने को बनाया ये प्लान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अपने संगठन को मजबूत और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने को लेकर बूथ स्तर तक के सम्मेलन हो या जातियों को लेकर साधने के लिए जातिगत सम्मेलन, सभी तरह के कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। अब बीजेपी की नजर अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक वोटरों पर है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी स्टेट यूनिट को उन राज्यों में रह रहे लोगों का डेटा तैयार करने को कहा है। यूपी चुनाव 2022 प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फेरबदल की तैयारी, चुनाव लड़ने वालों की कम की जाएगी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़े फेरबदल किए जाएंगे, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जिम्मेदारी कम की जाएगी और निष्क्रिय सदस्यों को बाहर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फेरबदल की तैयारी है, जो पदाधिकारी चुनाव लड़ेंगे उनकी जिम्मेदारियां कम की जाएगी, वहीं निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर किया जाएगा। नई सूची पर मंथन किया जा रहा है, जल्द ही औपचारिक घोषणा होगी। जो नेता लखनऊ और दिल्ली में बिताते थे समय, उन्हें क्षेत्र की सताने लगी चिंता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है, कहीं सम्मेलन हो रहे हैं तो कहीं गोष्ठी और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सभी दलों के हाईकमान निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाने में जुटे हैं, वहीं लोग भी अब अपने क्षेत्र में लौट रहे हैं जो अब तक कहीं बाहर रहते थे। तमाम सांसद और प्रतिनिधि जो अधिकांश समय दिल्ली और लखनऊ में ही रहते थे, उन्हें भी अब क्षेत्र की याद आ रही है। किसान महापंचायत के बहाने मायावती का ट्वीट, बीजेपी सपा समेत सबको लपेटा। राकेश पांडे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में रविवार को किसानों की किसान महापंचायत हुई। विपक्षी दलों ने महापंचायत में शामिल हुए लाखों की भीड़ को देखकर बीजेपी पर निशाना साधा। आपको बता दें, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साध करती चलाना शुरू कर दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया और साथ में सपा और कांग्रेस पर भी हमला बोला। बीएसपी सुप्रीमो ने सोमवार को ट्वीट करते हुए विरोधियों पर कड़े प्रहार किए हैं। अखिलेश का सीएम योगी पर तंज, कहा डेंगू से बच्चों की मौत के बावजूद मुख्यमंत्री कर रहे हैं झूठे दावे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को आरोप लगाया है कि वायरल बुखार और डेंगू के कारण बच्चों की मौत के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं सब ठीक के झूठे दावे कर रहे हैं और ध्वस्त स्वास्थ्य और सेवाओं की ओर भाजपा सरकार का ध्यान नहीं है। सोमवार को सपा मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार सपा प्रमुख यादव ने कहा है कि प्रदेश में डेंगू वायरल बुखार से हाहाकार मचा हुआ है, अस्पतालों में भारी भीड़ है, समय से समुचित इलाज न मिलने से बच्चों की मौतें हो रही हैं। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री इसके बावजूद ऑल इज वेल, सब ठीक है का झूठा दावा कर रहे हैं। किसान आंदोलन को कुचलने का षड्यंत्र बंद करे मोदी सरकार। कांग्रेस ने कहा कि देश का किसान कृषि विरोधी कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर लंबे समय से धरना दे रहा है, लेकिन मोदी सरकार देश के अन्नदाता की बात सुनने के बजाय किसानों पर हमला करवा रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया जारी कर एक बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की सरकारें किसानों को न्याय देने की बजाय किसान मजदूरों की गांधीवादी आंदोलन को दबाने तथा कुचलने में लगी। भाजपाई कर रहे हैं राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात, अखिलेश उठा रहे बेरोजगारी का मुद्दा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में सभी दल जुट गए हैं, भले ही पार्टियों के घोषणा पत्र नहीं जारी हुए हैं, लेकिन चुनाव में उनके मुद्दे क्या रहेंगे इसकी झलक अभी से दिखने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के दिग्गज नेता चुनाव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जबकि प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रोजगार का, कोरोना नियंत्रण कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। बसपा और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। शिक्षक बनकर नौजवानों की आवाज, बीजेपी सत्ता से बाहर, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लाखों किसान भाजपा के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, तो भदोही में शिक्षक बनकर नौजवान बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा है। ये परिवर्तन की आवाजें हैं जो उठ रही है। भाजपा की सत्ता से बेदखली होना तय है। समाजवादी पार्टी के सन 2022 के चुनाव में बहुमत से जीत होगी। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों बुनकरों को बिजली की सुविधा मिलेगी और नौजवानों के रोजगार का इंतजाम होगा। अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस ने सजाया लुभावने वादों का पिटारा। पुलिस में भर्ती के लिए लगेंगे कैंप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में
जुटी कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों से लुभावने वादे किए हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर अल्पसंख्यक बहुत इलाकों में राज्य पुलिस बल में भर्ती के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। अम्बेडकर छात्रावासों की तर्ज पर हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद छात्रावास खोले जाएंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर भीड़ की उन्मादी हिंसा के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा। अगले सरकार में हुए सभी छोटे बड़े दंगों की न्यायिक जाँच होगी। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।